राजस्थान सरकार के खिलाफ पिछले 8 दिनों से धरना दे रहे सांसद किरोड़ी लाल मीणा को पकड़ने के लिए भारी पुलिस जाप्ता मंगलवार रात धरना स्थल पहुंचा, जहां युवाओं की भीड़ देख पुलिस को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सरकार चाहे मुझे जेल में ही क्यों ना भेज दे, मैं झुकने वाला या डरने वाला नहीं हूं। हम तब तक यही बैठे रहेंगे जब तक हमारी चारों मांगे पूरी नहीं की जाती। इससे पहले मीणा को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिल गया है। दरअसल मंगलवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया किरोड़ी लाल मीणा से मिलने धरना स्थल पहुंचे, जहां पूनिया ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 16 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, बावजूद इसके मुख्यमंत्री दोषियों पर कार्रवाई की जगह लीपापोती करने में जुटे हुए हैं, जिससे राजस्थान की लाखों युवाओं का जो भविष्य है वो खतरे में आ गया है। इसीलिए पेपर लीक प्रकरण की सिर्फ और सिर्फ CBI जांच होनी चाहिए, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के साथ ही युवाओं को न्याय मिल सके। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान के मंत्री और विधायक भी पेपर लीक प्रकरण में शामिल है, इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में अपनी सरकार को पेपर लीक प्रकरण में क्लीन चिट दे दी, जिसकी वजह से अब पुलिस प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसीलिए इस मामले में अब सिर्फ CBI जांच होनी चाहिए, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। मीणा ने कहा कि मैंने जयपुर में पेपर लीक प्रकरण के बाद मीडिया के सामने दोषियों की जानकारी दी थी, लेकिन उसके बाद भी दोषी विदेश भाग गए, जिन्हें पकड़ने की जगह सरकार के मंत्री और अधिकारी लीपापोती में जुटे हुए हैं। ऐसे में अब हमारी 4 सूत्रीय मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। दरअसल सांसद किरोड़ी लाल मीणा पिछले 8 दिनों से जयपुर के आगरा रोड पर धरने पर बैठे हैं। रविवार को सांसद मीणा ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार ने हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं की, तो प्रदेश भर के बेरोजगार जयपुर में सरकार के खिलाफ महापड़ाव डालेंगे। वहीं इससे पहले बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर, जयपुर उप महापौर पुनीत कर्णावत समेत सैकड़ों युवा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में धरना स्थल पहुंचे। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान में 4 साल में 16 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, जिससे प्रदेश के 50 लाख से ज्यादा युवाओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। वहीं बाहरी राज्यों के बेरोजगार राजस्थान में सरकारी नौकरी में लग रहे हैं, जिससे राजस्थान के युवाओं का हक छिन रहा है। CM अशोक गहलोत युवाओं की परेशानी को भूलकर सिर्फ अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं। ऐसे में जब तक प्रदेश के युवाओं की मांगे पूरी नहीं की जाती, मैं यहीं धरने पर बैठा रहूंगा। तो किरोड़ी लाल मीणा के इस धरने को बीजेपी का अब समर्थन मिलने लगा है। जैसा कि हमने आपको कुछ समय पहले बताया था, राजस्थान की पूर्व CM वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट कर किरोड़ी लाल मीणा के इस धरने को समर्थन दिया है। आप ये पूरा वीडियो हमारे YouTube चैनल पर किरोड़ी के समर्थन में उतरी वसुंधरा, उस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देख सकते हैं। और वहीं अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी किरोड़ी बाबा का समर्थन दे दिया है। हनुमानगढ़ के कन्हैयालाल ने जब सुसाइड नोट लिखा और वो सुसाइड किया, तो उसकी मौत का जिम्मेवार कौन? हम तो वो जवाब चाह रहे हैं कि उसने अब सुसाइड क्यों की। उसमें जम्मू कश्मीर, गुजरात और उत्तर प्रदेश क्या करेगा? मैं तो राजस्थान की बात करता हूं कि राजस्थान के नौजवानों के हक पे डाका डालने का काम किया है, उसके लिए राजस्थान की सरकार क्या कार्रवाई करेगी, उसी का ये धरना है।